आप सभी देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं मायरा। आप सबको बता दें कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जम्मू शहर में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं और जो बनकर तैयार भी हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं मुबारक मंडी में मौजूद हूं। यहां पर आपको बता दें कि ओल्ड लाइब्रेरी को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है कैफेटेरिया में। जी बिल्कुल, चलिए मेरे साथ आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर एक पुरानी लाइब्रेरी जो है वो हुआ करती थी, लेकिन उसे अब ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और यहाँ पर कैफेटेरिया बनाया जाएगा। और आप देखिए, लगातार पिछले 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर काम जारी है और आने वाले साल तक जो है यहाँ पर काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और कैफेटेरिया बनकर तैयार हो जाएगा। आप सब ये गेट देखिए, ये रास्ता है जो चौक चबूतरा की तरफ जो है वो जाता है और यहाँ से काफ़ी जनता जो है वो आती है और जाती है। जब भी कैफेटेरिया बनकर तैयार हो जाएगा तो आप सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले अंदर चलते हैं और अंदर के जो नज़ारे हैं वो हम खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाएंगे ज़रूर। तो आइए देखते हैं कि अंदर अभी तक कितना काम जो है वो हो चुका है और कितना करने को बाकी है। सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए, ओल्ड लाइब्रेरी बिल्डिंग है ये, बिफोर एंड प्रपोज्ड यहाँ पर बताया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जब बनके तैयार हो जाएगा तो इसकी जो शक्ल होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। आप एक बार ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर ये बिफोर और प्रपोज्ड की जो ये तस्वीरें हैं वो भी लगाई गई हैं। मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल मैं ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हूं, इसका बेसमेंट भी बनाया गया है और इसकी फर्स्ट स्टोरी जो है वो भी बनाई गई है और आने वाले साल तक बताया जा रहा है कि ये काम जो है मुकम्मल हो जाएगा और कैफेटेरिया बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही आपको मैं बता दूँ कि कैफेटेरिया तो बनकर तैयार हो जाएगा लेकिन ओल्ड लाइब्रेरी को नहीं हटाया जाएगा, कैफेटेरिया के साथ यहाँ पर लाइब्रेरी भी मौजूद होगी। चलिए यहाँ के आर्ट मैन से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना काम अभी रहता है और कितना जो है वो मुकम्मल हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के आर्ट मैन भी मौजूद हैं जी बिल्कुल, जिनका यहाँ पर काफ़ी योगदान जो है वो रहा है और इनसे भी जानेंगे इस जगह के बारे में। जी बिल्कुल, आपका नाम? मेरा नाम दानियल है। आप कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब से आप कब यहाँ पर आए थे? कम से कम 2005 में आया था। 2005 में। तो ये इस जगह का काम कब से स्टार्ट है? कैपिटल एरिया का जी दूसरा साल चल रहा है। कब कंप्लीट होगा ये? दिसंबर जनवरी में हो जाएगा खत्म, पूरा बनके तैयार। कैफेटेरिया के साथ लाइब्रेरी होगी? नहीं, लाइब्रेरी भी होगी, बाकी इनका जो भी योगदान होगा जी। VIP लोग जो हैं इधर आएंगे, जो देखने वाले लोग आएंगे बाहर के, उनके लिए ये होगा। और भी हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, यहाँ पे मुझे कुछ ये मसाला भी दिख रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मसाला ईंटें पीस के जी, तो उसमें चूना पीस के मड़ा के मशीनें लगी हैं, मशीनों में इसको पीसा जाता है फिर बनाया जाता है। इससे क्या ज़्यादा मजबूती आती है दीवारों? बहुत मजबूती, आप पकड़ कर देख सकते हो, इसको ऐसे लगा कर देखो, बहुत पकड़ा है इसमें, जैसे पहले मसाले थे वैसे ही है। आजकल मसाला जो है अगर इसमें कुबरेता डाल देंगे तो वो थोड़ा पुरपरा हो जाएगा, लेकिन ये मसाला बहुत मजबूत है जी। तो यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं तकरीबन? कम से कम 50-60 आदमी तो कर रहे हैं इधर। हाँ जी, रोज लगातार काम चालू है? रोज लगातार चालू है, उधर इनका काम उधर भी चल रहा है जी, राम पैलेस में जी। हाँ जी, तो इधर भी है, कम से कम 100 के करीब लोग हैं जी। रानी महल में भी है जी। काम इधर भी है, नाल ही साथ में बहुत जगह काम चल रहा है, तो कम से कम 50-60 आदमी तो काम कर रहे हैं। ये कितने मंजिला बनने वाला है कैफेटेरिया? ये इस वे 3 मंजिला है जी, एक मंजिल नीचे है जी, एक ये है, एक इसके ऊपर, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर हम मौजूद हैं, इसके नीचे भी एक मतलब जी। नीचे भी पूरी स्टोरी है जी, उधर भी आपने देखा पौड़ी जी, लोहे की पौड़ी बनी हुई है नीचे जाने के लिए, उधर प्लास्टर उसका भी हो चुका है, अब देखो रंग शंग होगा। हाँ। तो ये तैयार, रंग होने के लिए कितना समय लगेगा जी। हाँ जी,
चलिए यहाँ के कुछ बाकी आर्ट मेंस यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसी आर्ट मैन से बात करते हैं। हेलो भैया। हाँ जी। आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 2 साल से। तो कब तक कंप्लीट होगा ये? इसका अभी कुछ हमारे को तो अंदाजा नहीं है, वैसे काम तो जोर शोर से चल रहा है। वैसे एक बोला जाता है ना कि एक आपको या तो इस महीने तक कंप्लीट करना होगा या तो इस साल के आखिर तक, तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है? कब तक? यही दो तीन महीने तक हो जाएगा कंप्लीट ये। आप कहाँ से हैं? पंजाब। पंजाब से यहाँ स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए आए हैं? हाँ जी। हाँ जी। मैं आप सभी को बता दूं कि इस जगह की खासियत भी है, यहाँ पर पार्टी हॉल भी बनने वाला है। जी बिल्कुल, आप सब लोग यहाँ पर, चाहे आपका जन्मदिन है, चाहे आपकी शादी है, चाहे कोई भी फंक्शन है, आप पूरे हॉल को बुक कर सकते हैं, यहाँ की ये खासियत रहेगी। और भी आपको बता दें कि तरह तरह के यहाँ पर अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ जो है वो देखने को मिल पाएंगे, और जल्द ही ये मुकम्मल जो है वो होने वाला है, और एक साल के अंदर अंदर जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जो है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा रहा है। मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जब भी ये कैफेटेरिया बनके तैयार होगा तो एक बार फिर से स्टेट टाइम्स की टीम यहाँ पर आएगी और आपको दिखाएगी। ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है फिलहाल चल रहा है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी हमारा डेफिनेटली यहाँ पर विजिट रहेगा और आपको बताया जाएगा कि पहले के नज़ारे और अब के नज़ारे इस कैफेटेरिया के कैसे रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि कमेंट बॉक्स खुला है, आप चाहे इस रिलेटेड हो या चाहे कोई भी क्वेरीज आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपनी राय जो है वो ज़रूर दे सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्टेट टाइम्स की मेल भी है, statetimes1@gmail.com। आप इस पर भी मेल करके अपनी जो भी क्वेरीज होंगी वो बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी इस रिलेटेड आपको बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं। तो फिलहाल की इस अपडेट में इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।